गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इस लीजा इस्लाम। आज मैं हूँ मेरे मामी आयता के घर में और वो रहा मेरा मामा लोग का घर और ये रहा मेरा मामी आयता लोगों का घर जो कि माँ का मामा लोगों का घर है। और देखिए मैं मतलब गांव तरफ आई हूँ तो ये रहा हम लोग का खेत जहाँ पे पूरा आलू का खेती हुआ है। और अभी मतलब बिहू हम लोगों का स्टार्ट होने वाला है 13 से, तो इसी वजह से मैंने सोचा एडवांस में थोड़ा बिहू का स्पेशल ब्लॉग बना देती हूँ। और इस तरफ भी आलू का खेत है और है कुछ कुछ, मुझे भी इतना अच्छे से नहीं पता। तो फिर हम लोग आज पिठा वगैरह बनाएंगे शायद, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये रही मेरी मामी आयता जो कि धान सुखा रही है, धूप में दे रही है बिहू के लिए। और यहाँ पे बन रहा है पूरा गांव वाला का वो जो गांव वाले लोग यहाँ पे सब लोग मिल के भोज खाएंगे, तो इसलिए बन रहा है यहाँ पे घर जिसको फैला घर बोलते हैं। तो अभी तक ये रेडी नहीं हुआ है, टाइम है को बनने के लिए कुछ टाइम लगेगा क्योंकि हम लोग खाएंगे भोज 13 को, तो टाइम है फ़िलहाल अभी उसके लिए। और मैं तो आज चली जाऊंगी तो मैं खाऊंगी अपना घर में जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो कीप वॉचिंग और मेरी खाती रहती हूँ आप लोगों को क्या क्या होता है। और ये बन रहा है बच्चा लोगों का जो कि मेरा मामा लोग का घर में बन रहा है। यहाँ मामा का घर यहाँ पे मतलब जो मेरा मामा लोग का बच्चा लोग है उन लोग मिल के यहाँ पे मतलब खाएंगे, पता नहीं कुछ तो करेंगे इन लोग बच्चा लोग पता नहीं। तो इन लोग अपना बना रहे हैं और उधर वो बन रहा है। गांव में बेसिकली अच्छा ही लगता है मतलब बिहू में, क्योंकि रात को छोड़ी करते हैं तो अच्छा लगता है। बट हम लोग नहीं रह सकते क्योंकि हमें भी अपना घर में सेलिब्रेशन करना है और हम लोग वैन पे रहते हैं तो इतना मज़ा नहीं आता है। गांव में ज़्यादा मज़ा आता है लेकिन क्या करें। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ डायरेक्ट, पीठा बनाने जा रहे हैं तो उधर जाके मिलते हैं। और ये भी रहा हम लोगों का खेत जहाँ पे लगा हुआ है सरसों, यहाँ पे मीठा लाओ। और ये बगल में ही सामने ही है जो राइस लोग मतलब पूरा गांव वाला लोग जो मिलके भूज खाएगा 13 को, उसके तैयारी मतलब हो रहा है, इसका घर बन रहा है, सब लोग मिलके बना रहे हैं। कुछ इस तरीके से है इसका व्यू, ये हम लोग का घर। बेसिकली तो कुछ इस तरीके से है मेरा मतलब घर का जो खेती वगैरह है, लेकिन गांव में रहना तो अच्छा ही लगता है। बट यहाँ पे नेटवर्क वगैरह का इशू होता है और सेकंड कि मैं बहुत टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी जस्ट बिकॉज़ मैं थोड़ा बिजी थी, तो इसी वजह से मैं वीडियो अपलोडिंग नहीं कर पा रही थी। तो अभी ट्राई करूँगी कि टाइम टू टाइम मैं आप लोगों के साथ नया नया वीडियो और अच्छा अच्छा कंटेंट लाने का, क्योंकि टाइम मैं निकाल ही नहीं पाती हूँ। तो आई होप मैं ट्राई कर पाऊँ। और ये रहा छोटा सा मंदिर जहाँ पे हम लोग आए हैं धान कूटने के लिए। दिखाते हैं हम किस तरीके से धान कूटेंगे, मतलब हम लोग आए मतलब हम लोग ना आज बनाएंगे आपका कड़ाई गुड़ी, जिसको आसामीस में कड़ाई गुड़ी बोलता है। हिंदी में कन्वर्ट करें तो हम लोग चावल को भूज के उसका पाउडर निकालेंगे, पाउडर मतलब उसका गुड़ा बनाएगा। तो उसको हम पानी नहीं तो दूध के साथ, गुड़ नहीं तो चीनी के साथ दे के खा सकते हैं, उसका क्वांटिटी मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, तो चलिए देखते हैं। और ये रहा देखी, और इसमें चावल को भूजेंगे, फिर उसके बाद उसमें देंगे, फिर उसके बाद कूटेंगे, टिकलिंग 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 टिकलिंग। फिर रही मेरी माते जो मम्मी भूजेंगे इसको, तो दिखाती हूँ आपको।
इस तरह के से इसको फ्राई कर लेगा और उसके बाद उसमें डालेगा और मैं दूंगी देखी। इसको देखी बोलते हैं, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलता है। पहले वाला नाना को आँख में डाल देगा क्योंकि आँख को पहले, उसके बाद आदमी का पेट के लिए। तो यहू का पहले पहले हम लोग का घर में कुछ इस तरीके से हम लोग तैयारी करते हैं। तो जो जो लोग आसामीस है शायद उन लोग भी करते होंगे, जो जो आसामीस है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इसको अच्छे तरीके से भूजेगा, उसके बाद ढेकी में देगा और हाथ जलेगा करके, मतलब हाथ में आग का ताप लग रहा है ना, तो इसी वजह से इसमें हाथ में कपड़ा लपेट लिया है कि गर्मी ना लगे। हो गया है अच्छे तरीके से फ्राई, तो अब इसको निकाल लेंगे, फिर उसके बाद इसको ढेकी में देंगे। नहीं फ्राई करवा लगे वो इसको भी डाल देगा ढेकी के अंदर। और ये रही मामी, अब इसको इस तरीके से कूटेगा गुटलुंग करके। इस तरह से चलता है पैर का मदद से। और इसमें बीच बीच में इस तरह के से करना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ निकल जाएगा। तो इसको इस तरह के से सारा चावल को अंदर डालते जाएगा और इस तरह इसको फ्राई भी करते रहेगा और जब हो जाएगा इसमें रख देगा। पूरा थक गई इतना दिनों को, इतना दिन नहीं इतना सालों के बाद। अरे बहुत सारा निकल गया, अभी भी है 6 kg टाइम लगेगा। प्लस मैं आप लोगों में दिखाती हूँ। मुझे लगा था मतलब टाइम लगेगा करके क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था, बट ये हो गया है। सर और कुछ करेगा मुझे इतना अच्छे से नहीं पता, तो यहाँ पे कुछ करेगा नहीं, सिर्फ मतलब जब हम लोग 13 को खाते हैं खाना तो यहाँ पे बैठ के खाएगा सब लोग और 14 को इसको जला देगा, इतना ही है। इतना सा ही है, इतना सा घर ये बन गया है कुछ इस तरीके से। तो 14 को ये फिर जला देगा, 13 को इसमें भूज खाएगा। ये रहा चिल्ड्रन पार्टी लोगों का, जो कि ये भी रेडी हो गया है। ये बहुत अजीब ही दिख रहा है, केला का पत्ता से बना लिया इन लोगों ने। वाह वाह, बनाने वाला कारीगरी सब छुप गया है इस तरफ। वाह, एक बना ही रहा है और बाकी ये भी एक जन है। ये तो बच्चा सा दिखता नहीं है, लंबा हो गया है। वाह, इसको बड़ा हंसी आ रहा है, किस खुशी में। तो अभी हम लोग चलते हैं फिर कौन धाम उधर। कौन है ढेकी दिया है कौन कौन ना एक की को ढेकी दिबो एक बुगली को मोबाइल चले जो ना काम कर जो आ जने कि ना दिन से ना। मतलब सारे पास के 6 kg चावल का और 6 kg फिर आके लंच करके फिर करना है। मैं आप लोगों से मिलते हूँ लंच के बाद। टिल देन कीप वॉचिंग। तो
सो अभी खाना हो गया है तो मैं आ गई हूँ हम लोगों का ऑरेंज का बागान में, मतलब बागान तो नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब है हम लोगों का है थोड़ा मोड़ा, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। हाँ हम लोगों का ऑरेंज का बागान है, कम हो गया, पहले ज़्यादा था तो अभी तो ख़त्म ही हो रहा है, तो मैं तोड़ूंगी इसको अभी। लीची का पेड़ भी है मेरा घर में, मेरा घर में मोस्टली मतलब है सबसे अमरूद है, लीची है, फिर उसके बाद ऑरेंज है, केला का पेड़ होता ही है असम में, तामुल का पेड़ भी, पान का पेड़, नीम का पेड़, तेजपत्ता का पेड़ भी है, ये सामने वाला तेजपत्ता का पेड़ है। तो ठीक है मैं तोड़ लेती हूँ अभी ऑरेंज, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ, ज़्यादा नहीं तोड़ूंगी, दो तीन तोड़ लेते पहले। मम्मी तोड़ी ये, ओए तो गिर गया, फट गया, अरे फट गया, फट गयो, फट गया बेचारा, बेचारा फट गया। सो गाइस सारा ऑरेंज मेरा फट जा रहा है बेकार झूल, तो इसलिए हम लोग अभी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि जो ऑरेंज तोड़ने वाला डंडा है ना वो हम लोग के घर में बनाया ही नहीं है, हम लोग ऐसे तोड़ तोड़ के खाते रहते हैं, तो बेचारा मैं नहीं लेके जा सकती हूँ घर में, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे खा के अभी चली जाऊँगी फिर कड़ाई कड़ी कूटने, मतलब ढेकी देने। और मेरे इधर इधर पूरा कचरा लग गया है, सूखा पत्ता मेरे पे गिर रहा है, तो तब तक देखते रहिए, मैं मिलती हूँ आपको दायरे। उई तो मम्मी पूरा ट्राई कर रही है कि पकड़ सकूँ क्या किस कर लूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है, लाइक तो मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ डायरेक्ट धान कूटने का होता है, जहाँ पे हम लोग फिर से क्या बनाएंगे, खांदोगुड़ी, तो मिलती हूँ। सो हम लोग फिर से आ गए हैं, अब फिर से हम लोग इसको आग जलाएंगे, फिर कढ़ाई गर्म करेंगे, फिर उसके बाद चावल फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद कूटेंगे, तो देखिए आप लोगों को। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और किस किस का घर में पहले से ही बिहू का मतलब बिहू होने का पहले से ही किस इस तरीके से मतलब तैयारी हो रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो लोग मुझे देख रहे हैं जिसका उसका घर में इस तरीके से बिहू का सेलिब्रेशन के लिए आगे से तैयारी हो रहा है, सो मैं बाकी सेम ही है, मम्मी फिर से चावल दे रही है, कढ़ाई में फ्राई करेगी, उसके बाद फिर उधर देंगे, फिर उसके बाद मैं ढेकी दूंगी, तो इसी वजह से मैं सोचा कि मैं ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि सेम ही होगा सबसे, और मुझे फिर अपना रूम में भी जाना है, मम्मी और मैं और मेरा दोगी हम तीनों आए थे, तो फिर हम लोग चले जाएँगे, तो सामान वगैरह भी पैक करना है, ज़्यादा चावल नहीं है, 12 kg था, तो उसको हो जाने के बाद फिर हम लोग का शिकार चले जाएंगे, तो मैं इसका वीडियो यहीं तक ख़त्म करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप वॉचिंग, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ, तब के लिए बाय बाय।